दोस्तों, सर्दियों का जो मौसम है वो अपने साथ में कई सारी समस्याएं लेके आता है, स्पेशली कारों में। कारों की अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टार्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी गाड़ी अगर अच्छी नहीं है या उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है एक या दो सेल्फ लेने के बाद ही आपकी गाड़ी की बैटरी बोल जाए। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बैटरी को घर पर ही टॉपअप कर सकते हैं बिना किसी सहायता के। वैसे हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि कार टू कार जो जम्पर केबल लगाते हैं उसके थ्रू भी हम गाड़ी को इजिली स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास में जम्पर केबल होना जरूरी है, दूसरी कार अवेलेबल होना जरूरी है। सो इट्स ऑल अबाउट हैविंग लॉट्स ऑफ स्टफ, तब जाके आप अपनी कार को किसी दूसरी गाड़ी से स्टार्ट कर सकते हैं। पर समस्या ये होती है कि अगर आपके पास में ये सारे ऑप्शन नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू? तो यहाँ पर एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप खुद भी अपनी बैटरी को अपने घर पे जो आपके अवेलेबल सोर्सेस है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चार्ज, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए कि मैं सुबह सुबह कहीं जाने के मूड से था, लेकिन एक या दो सेल्फ के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो बोनट लाइट इस गाड़ी में लगी हुई है वो ऑन छूट गई थी। तो शायद पिछले एक या दो दिनों से वो चालू थी, क्योंकि एलईडी थी इसलिए ज्यादा बैटरी को ड्रेन नहीं कर पाई है। सो दैट्स अ गुड थिंग, तो हमें ज्यादा इसमें चार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो गाड़ी जो है सिर्फ हल्का हल्का सेल्फ ले रही है। ये देखिए सेल्फ सिर्फ घूम रहा है गाड़ी को, जो उतना जितना टॉर्क मिलना चाहिए स्टार्टिंग के लिए उतना आरपीएम प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस बैटरी को खोलने के लिए आपको वैसे कुछ स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत नहीं होगी, एक आप सिंपल प्लायर ले सकते हैं। ऑल दो प्लायर से सारा काम अपना हो जाना है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो 8 से 9 का एक फिक्स स्पैनर भी अपने पास में रख सकते हैं, जो इसकी जो क्लिंप है क्लैंप होती है उसको खोलने के लिए। तो ये हमारे पास में दो टर्मिनल है, इसमें सबसे पहले जो है आप जो प्लस वाला टर्मिनल है या जो माइनस वाला किसी भी एक टर्मिनल को पहले खोल लें। मुझे भी आसानी से खुल जाए, क्योंकि क्या होता है किसी एक को पहले निकालने में ये होता है कि शॉर्ट होने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इसको निकाल दीजिए आप, और उसके बाद में फिर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे में अगर आप लगाते तो यहाँ से बॉडी जो है इससे टच हो जाती और यहाँ पे शॉर्ट हो सकता था। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले जो इजीली अवेलेबल है उसको किसी एक को निकाल दें, उसके बाद ही दूसरे को निकालें। और दूसरा वाला भी आसानी से खुल गया है। प्लायर एक यूनिवर्सल टूल होता है जो लगभग सभी के पास में होता है, इसलिए इसको हमेशा अपनी गाड़ी की टूल किट में रखें। अब दोनों को हमने निकाल दिया है, दोनों को अलग रख दें और फिर उसके बाद में हमें खोलना है इसको। तो अगर इनके लिए मेरे पास में टूल है, जैसे ये मेरे पास में 8 नंबर का है, वैसे इसमें 8 का भी नहीं लग रहा, थोड़ा कम का लगेगा, तो हम इसको प्लायर से ही खोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें भी रस्टिंग आ रही है, तो जब आप इसको टाइट करें वापस तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो पोर कर दें, जिससे कि इसमें जो रस्टिंग है इसकी जो रस्टिंग है वो इसकी प्लेट को ख़राब ना कर पाए। देखिए किस तरीके से इसकी जो रस्ट है वो बाहर निकल गई है। पूरा खोलने के बजाय बस इसको हल्का सा खोल लें और फिर इसको जो क्लैंप है इस वाली क्लैंप को थोड़ा साइड में रख दें इस तरीके से, और इसको और बैटरी को फिर आप निकाल लें थोड़ा ध्यान से। अगर आपकी बैटरी डाउन हो रही है सुबह सुबह विंटर में, तो उसका एक खाली ये रीज़न नहीं हो सकता है कि प्रॉपर चार्जिंग ना हो, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो बैटरी है उसके अंदर जो एसिड है वो प्रॉपर ना हो। तो इसको चार्ज करने से पहले इसका एक बार एसिड भी चेक कर लें, जैसे कि मैं इस इंडिकेटर में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो सफ़ेद कलर का जो सिग्नल है वो आ रहा है, और उसका मतलब होता है लो एसिड। तो हम सबसे पहले इसके जो कैप्स हैं उसको खोलेंगे
और फिर देखेंगे कि उनमें एसिड प्रॉपर है या नहीं। ठीक है चलो। जैसे कि भी यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी है, इसको भी साफ कर ही सकते हैं। तो ये साफ हो गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी है वो हमें दिख रहा है, और ये जो ये वाली है ये बिल्कुल सूखी हुई है। मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए ये वाली जो सेल है ये पूरी तरीके से सूख चुकी है, इसमें एसिड नहीं दिख रहा है। ये जो है इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसमें भी है, मतलब कुल मिला के एसिड सभी में कम है और एक सेल जो है पूरी तरीके से सूख चुका है। इसी कारण से बैटरी है वो बार बार डिस्चार्ज हो रही थी। अब आइए इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर पोर कर देते हैं। इसको एक बार इसका वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका जो फुल चार्ज वोल्टेज है वो लगभग 13.8 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। और अभी हम देख लेते हैं इसमें इसमें भी कितना वोल्ट बता रहा है। तो अभी जो वोल्टेज है वो 13.33 बता रहा है, मतलब 13.8 इसका होना चाहिए फुल वोल्ट। अगर फुल चार्ज होती तो मतलब ये चार्ज नहीं है। तो ऐसे डिस्टिल वाटर भी हमने इसमें डाल लिया है। अब आइए इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो चार्जिंग पे लगाने के आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, बट अगर आप एज ए कॉमन यूज़र हैं तो शायद आपके पास में ये सारी चीज़ें ना हो। तो चलिए डायग्नोस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं जिनसे आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और आप अपनी कार बैटरी को सिंपल ऐसे किसी भी सोर्स से चार्ज कर सकते हैं जिसमें कि 12 वोल्ट आउटपुट आता है। आप देखिए ऐसे ये कार स्टीरियो ट्रांसफार्मर है, इसमें 12.5 वोल्ट है। ये सिंपल जो अभी दिवाली के टाइम पे जो सर्किट चलाने वाला है ये भी 12 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट है इसमें। इसमें यहाँ से एसी इन होता है और डीसी यहाँ से आउट होता है। ये हमारे पास में एक सिंपल ट्रांसफार्मर है जो हमारे पुराने स्टीरियो प्लेयर से निकला था, ये भी 12 वोल्ट आउटपुट देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें हो सकता है एक आम आदमी व्यक्ति के पास में ना हो, तो लैपटॉप सभी के पास में होता है। लैपटॉप की हम रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर 19 वोल्ट दिया हुआ है और 3 एम्पीयर दिया हुआ है इन आउटपुट जो है, और ये डीसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको लगाएं, अगर इससे बैटरी चार्ज करते हैं तो आपको इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो 12 वोल्ट से जो 19 वोल्ट के बीच का जो गैप है वो फिल हो सके। तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप इस तरीके का कोई हेडलाइट वाला लगाएं, वो इमरजेंसी वाली बात है जब आपको लगाना हो तब। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप वो कौन सा आसान तरीका है जिससे कि इस बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये सब चीज़ें हटा दीजिए। आप बैटरी चार्ज करने का जो फाइनल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ये, आपकी बाइक, अगर आपके पास में कोई सी भी बाइक या स्कूटी या कोई भी टू व्हीलर है जो जिसमें बैटरी लगी होती है और जो सेल्फ से स्टार्ट होती है, तो बस आपको चेक भर करना है कि वो सेल्फ से स्टार्ट हो रही है या नहीं। जैसे मैं कर लेता हूँ, अगर ये सेल्फ से स्टार्ट हो जाती तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में कार है तो ऑब्वियसली आपके पास में कोई छोटी स्कूटी, टू व्हीलर, बाइक कुछ भी होगा। तो देखते हैं हम, ये दूसरे में चालू हो चुकी है। तो अगर ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, इसकी बैटरी भी ओके है और गाड़ी भी चालू हो गई है। आपकी गाड़ी चालू हो गई तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी गाड़ी का ये पैनल खोलना है, या फिर अगर आपके पास में स्कूटी है तो उसकी डिग्गी खोलनी है, और इसका जो बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें से दो वायर आपको लेने हैं सिंपल। तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मेरे पास में यहाँ पर एक सॉकेट है, मुझे इसमें सिर्फ अपनी पिन लगानी है और मैं बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। तो भाई जिस तरीके से आपका जो बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं उससे वायर 12 वोल्ट का निकला हुआ होना चाहिए और थोड़ा सॉकेट अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ पहले से। तो अब पहले इनका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये 13 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 13.8 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये बैटरी फुल चार्ज है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी गाड़ी को इसी तरीके से कुछ देर चालू रखना है, 15 से 20 मिनट, और इतने में आपकी जो बैटरी है वो बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो मिलने वाला करंट है वो तकरीबन 5 एम्पीयर के आसपास होता है। अगर आपके वायर आपका वायर अच्छा है तो बैटरी आपकी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगी, और उसको आप वोल्ट मीटर पर देख सकते हैं अगर आपके पास वोल्ट मीटर है तो, और अगर नहीं है तो 15 मिनट जो है बूस्ट करने के लिए काफ़ी होता है।
तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ वोल्टेज 13.8 बिल्कुल सही है, क्योंकि 13.8 जो है फुल चार्ज वोल्टेज होता है और गाड़ी चालू है इसलिए 13.8 से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम बिल्कुल बेशक इससे अपनी बैटरी को टॉप अप कर सकते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं होगा कि जैसे इसमें प्लस का वायर है वैसे इसमें प्लस का जोड़ना है और माइनस के वायर में माइनस का जोड़ना है। तो अभी 13.16 है और हम जैसे ही इस वायर को लगाते हैं चार्जिंग वाले वायर को, जो हमने लगा दिया 13.27 आता है। अब धीमे धीमे ये जो है 13.8, 29 इस तरीके से इसका वोल्ट बढ़ेगा और जब ये 13.8 पर पहुंच जाए तब हम इसको ले आके कार में लगा सकते हैं और कार को चालू कर सकते हैं। तो मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद में। और गाइस तकरीबन 20 मिनट हुए हैं, हमारी गाड़ी चालू है और आप रीडिंग देख सकते हैं 13.94 के आसपास पहुँच गई है, गाड़ी भी चालू है। अब आइए इस बैटरी की जो चार्जिंग है उसको यहाँ से बंद कर देते हैं और गाड़ी में एक बार लगा के देखते हैं कि वाकई में जो बूस्ट हम सोच रहे थे उस गाड़ी को जो बूस्टर पावर है वो मिला है या नहीं। तो ऐसे हम कार के पास में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बैटरी को रखने से पहले इसको हल्का सा अगर साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे सॉल्ट जमा हुआ है, तो मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ। बैटरी को इस स्टैंड पे हमने रख दिया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रस्ट आई हुई है। तो हो सकता है कि आपको एट ए टाइम ऑयल कैन या फिर ऑयल की व्यवस्था ना हो पाए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कार में से जो ऑयल चेक पाइप है उसको निकालिएगा 2 से 3 बार और यहाँ पर हल्का हल्का सा ऑयल जो है इसमें से पोर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे इसमें जो है जंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस 2 से 3 बार इसको डालना है। तो वैसे इस तरीके से आप अपने जो क्लैंप है उसमें ऑयलिंग भी कर सकते हैं और अपनी कार का ऑयल चेक भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मेरी कार का जो ऑयल टॉपअप है वो ठीक ठाक है। अब आपको करना ये है कि पहले इसमें प्लस का आप टर्मिनल लगा दीजिएगा, जिस सीक्वेंस में आपने निकाला था उसी सीक्वेंस में इसको लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और आप इसको कस दीजिए, कसने के लिए भी आपको ऐसा कुछ खास चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मॉडरेट टाइट कर दीजिएगा ताकि जो टर्मिनल है वो निकले ना, और हो सके तो अपने जो कार की किट है उसमें एक 10 नंबर का फिक्स स्पैनर ज़रूर रखिएगा। वैसे मेरे पास में है पर मैं दिखाने के लिए कि हाँ आप प्लायर से भी ये सारा काम कर सकते हैं, जस्ट इसलिए इससे करूँ। तो आप जैसे ही इसमें लगाएंगे हल्का सा आपको एक महसूस होगा कि हाँ करंट जो है वो चालू हुआ है, हल्की सी स्पार्क आपको सुनाई देगी, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है। तो ये कस गया है, अब आइए गाड़ी को एक बार चालू करके देखते हैं। वैसे गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी क्योंकि जो जिस मेथड से हमने इसको चार्ज किया है वो काफी रिलायबल मेथड है, और इस मेथड में बैटरी जो है एक बूस्टर बैटरी को मिलता है और जिससे कि वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि बैटरी जो है वो पार्शली हाई करंट से चार्ज की गई है, इसलिए उसकी ग्रेविटी ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो आपको करना यह है कि शुरू के 1 या 2 सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से आपको ट्रिक आजमानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना जो गियर लीवर है उसको न्यूट्रल पे रखें और हो सके तो क्लच को दबा के ही गाड़ी को हमेशा स्टार्ट करें। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप गाड़ी को चालू करने जैसे आप सेल्फ मारें, अगर आपकी गाड़ी MPFI है मतलब इसमें अगर इंजेक्टर लगे हुए हैं, तो आप एक बात ध्यान रखें कि जब जैसे आप गाड़ी को फर्स्ट इग्निशन पर लेके आते हैं तो गाड़ी में कुछ पंप के चलने की एक आवाज आती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये एक जब आप गाड़ी का फर्स्ट इग्निशन ऑन करते हैं तो गाड़ी के अंदर से घनघनाने की एक आवाज आती है, वो आवाज आपको 2 से 3 बार लेके आनी है जिससे कि जो इंजेक्टर है उसमें प्रॉपर प्रेशर बन जाए। और वो प्रेशर बनाने के बाद में आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो पहला सेल्फ थोड़ा सा लंबा लीजिएगा,
हो सकता है कि पहले सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और अगर नहीं हो पाती है तो जो दूसरा सेल्फ होगा वो आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन होगा। अगर उसमें आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हो सकता है आपको वो बूस्ट दोबारा से लगाना पड़े। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहली बार में गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। तो यही चीज आपको करनी है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में आप ये बात का भी ध्यान रखें कि रेस को एक्सेलेटर को थोड़ा सा हाई रखें, लगभग 3000 RPM के आसपास में रखें और रेस देते रहें, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है कि गाड़ी फॉर सेकेंड 10 से 15 सेकेंड के लिए स्टार्ट होती है लेकिन फिर दोबारा बंद हो जाती है, और उस कंडीशन में ये होता है कि वो जो फ्यूल जो कोल्ड होता है वो जो इंजन के अंदर होता है, या फिर कहें कि जो हाउस पाइप के अंदर होता है इंजेक्टर से, तो जो सिलेंडर है उसके बीच का जो फ्यूल होता है वो तो जल जाता है 5 से 10 सेकंड में, लेकिन उसके बाद में जो नया फ्यूल आना चाहिए सप्लाई में जो होता है, इंजेक्टर को पंप करना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो उसके बीच का जो गैप होता है वो 1 से 2 सेकंड का गैप, उसमें इंजन आपका बंद हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा आरपीएम हाई रखना है इसका, ताकि जो गाड़ी है आपकी वो अगर एक बार मिस करती भी है तो वो रोटेशन में रहे और आपकी गाड़ी स्टार्ट रहे। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको स्पेशली बैटरी चार्जिंग और गाड़ी की जो कोल्ड स्टार्ट है उसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the video.